बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत होंगे। दोस्तों आपने देखा कि लोग ट्रिप पर और वीडियो बनाते हैं ऐसे कि एक शख्स एक ही वक्त में तीन जगह पे नज़र आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, मैं आज आपको इस वीडियो में ट्रिप पर और वीडियो बनाना सिखाऊँगा, बहुत ही आसान है। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल के कैमरे पर जाना होगा। कैमरे पर जाने के बाद आपको इस तरह की वीडियो शूट करनी है जैसे कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करनी है और इंटर होना है एक तरफ से और एक जगह पे बैठ जाना है, या खड़ा हो जाना है, या मैं बैठ जाता हूँ या मैं बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद आपने आगे जाकर 10 सेकंड के लिए आपने बैठना है और 10 सेकंड बैठने के बाद आपने वापस चल जाना है। दोबारा इंटर होना है और एक नई जगह पे खड़ा होना है या बैठना है, जिस तरह भी आपने वीडियो एडिट करनी है। उसके बाद आपने उस जगह पे पूरे 10 सेकंड आपने बैठना है और उस 10 सेकंड बैठने के बाद आपने दोबारा जाना है और जाने के बाद आपने दोबारा इंटर होना है। दोबारा इंटर होने के बाद आपने फिर पूरे 10 सेकंड के लिए एक नई जगह पे खड़ा होना है जहां आप पहले नहीं खड़े हुए। इस तरह यह तीन वीडियो बन गई, तीन वीडियो इसका मतलब ही तीन रोल हो गए। ये एक ये रोल बैठकर दोनों साइडों पे खड़े होने वाला। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कपकट। आपने प्ले स्टोर में जाके कपकट डाउनलोड करना है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। आपने कपकट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपने वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने कैमरे से पहले बनाई है, जैसा कि मैं ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें, ये वीडियो मैंने अभी जो कैमरे शूट की है वो ये देखें। लेकिन इसमें मैंने अब आपने शुरू से वीडियो को डिलीट कर देना है जहाँ आपने इस वीडियो को बिल्कुल उसी जगह पे जाकर इस डाल देनी है जहाँ से आप खड़े हो रहे होते हैं। ये देखें बिल्कुल बैठा हूँ, इधर से अपने वीडियो को स्पीड डालनी है और नेक्स्ट वीडियो को सारी को डिलीट कर देना। सारी को नहीं डिलीट करना, जहाँ से आप दूसरी बार एंटर हो रहे हैं, ये देखें इधर से मैं दूसरी बार एंटर हो रहा हूँ, इधर से मैंने स्पीच डाल दी और जैसे एंटर वाली वीडियो को आपने डिलीट कर देना। ये देखें उसके उस वीडियो के बाद फोर है ये वीडियो, और उसके बाद आपने उस जगह पे जाना है जहाँ पे आप यहाँ से चल पड़े हों, इधर स्पीड डालनी है। और उसके बाद आपने उस जगह पे आना है जहाँ आप तीसरी बार एंटर हो रहे हैं। देखे इधर से मैं तीसरी बार एंटर हो रहा हूँ, आपने स्पीड डालनी है और जो पीछे की वीडियो उसे डिलीट कर देनी। ये देख रहे हैं कि आप दोस्तों अब आपने एंड पे जाना है और जो एंड पे फालतू वीडियो बनी है उसे डिलीट कर देना। ये देख मैंने डिलीट कर दी, और अब आप देखें कि ये देखें जो बैठने वाली वीडियो के बाद फौरन ये वाली वीडियो आती है और उसके फौरन बाद ये वाली वीडियो आ जाती है, ये देखें। और उसके बाद आपने पहले नंबर वाली वीडियो को पड़े रहने देना और दूसरे नंबर वाली वीडियो पे क्लिक करना है और बिल्कुल एंड पे आ जाना है, ये देखें ओवरली इस पर क्लिक करना है, ये वीडियो नीचे आ जाएगी और इसको इसी वीडियो को बिल्कुल पहली वीडियो को नीचे रख देना, बिल्कुल पहली वीडियो के नीचे रख देना। ये देख कुछ इस तरह जितना मैं सेट कर रहा हूँ, इन्हें रखिएगी। और अब आपने तीसरी वीडियो को सिलेक्ट करना है बिल्कुल उसी तरह, ओवरली पे क्लिक करना है और इसे भी उस दोनों वीडियो के नीचे
रख देना। ये देखें बिल्कुल इसी तरह, ये देखें ये तीनों वीडियो होगी और इन वीडियो को पहली वीडियो के बिल्कुल बराबर कर, पहली वीडियो जो सबसे छोटी होगी उसके बराबर कर देना। ये मैं इसे बराबर कर देता हूँ, देखें ये तीनों वीडियो बराबर होगी। और यहाँ आपको देख दिख रहा होगा सिर्फ बैठने वाली एक वीडियो शो हो रही है, लेकिन नहीं, उसके बाद आप सेंटर वाली वीडियो पर क्लिक करेंगे और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, अभी कुछ देर में रिमूव हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मोबाइल को ज़मीन पे रखकर या किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ से मोबाइल हिले चुले ना, उस जगह पे रखकर आपने वीडियो बनानी है। अगर आप किसी और दोस्त को कहें कि मेरी वीडियो बनाए, उससे मोबाइल आगे पीछे होगा और बैकग्राउंड से अच्छी तरह रिमूव नहीं होगा और वीडियो आपकी अच्छी तरह नहीं बनेगी, क्योंकि वीडियो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए आपको ख्याल रखना है कि मोबाइल उस जगह पे रखें, कैमरा जिस जगह पे कैमरा रिमूव ना हो, हिले चुले ना। ये देखें दोस्तों बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, ये देखें बैकग्राउंड रिमूव हो गया, और आपने बाद में एंड वाली वीडियो क्लिक करना है, उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर देना। और दोस्तों मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मैं बहुत बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद आपसे है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आप ये काम ना करें तो मेरा फिर वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा? आपको फ़ायदा हो रहा है, बस देखते हैं और लाइक शाइक करते नहीं। ये देखें इस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो गया, और उसके बाद आपने दोस्तों एक ना बैक आना, बैक आने के बाद एड ऑडियो एक साउंड सेलेक्ट कर लेना। मैं अभी एक साउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड कर लेना आपने साउंड। ऐड करने के बाद आप मेरी धड़कन तुमको चाहे, मेरा दिल बन जाना तुम, कभी रूठ जो जाए दिल तो सीने से लगाना तुम, मुझे अपना बना के रखना। इसलिए आप इसी तरह आप वीडियो को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ये पहले वाली ये देखें, इसको आप नीचे कर सकते हैं। देखिए अभी मेरी धड़कन तुमको चाहे, मेरा दिल बन जाना तुम, कभी रूठ जो जाए दिल तो सीने से लगाना तुम, मुझे अपना बना के रखना। लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल, लेकिन बहुत ही आसान है। इस वीडियो को बनाने के लिए कोई भी इतना टाइम भी नहीं लगता, और कम वक्त में आपकी बहुत अच्छी वीडियो बन जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।